नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ नीता जोशी। हाल ही में प्रदेश में आईपीएस अधिकारियों में बड़े बदलाव किए गए। इन्हीं बदलावों के तहत टोंक जिले के नए पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने जिला पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद जिले के नए पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने कहा कि जिले की कानून व्यवस्था को और भी बेहतर किया जाएगा। इससे पूर्व नए पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के टोंक पहुंचने पर सर्किट हाउस में पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। दरअसल आज टोंक जिला मुख्यालय पर नए पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने जिला पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने मीडिया से कहा कि पुलिस की कार्यशैली में और सुधार किया जाएगा। वैसे भी पुलिस अच्छा व मेहनत से अपना काम करती है। कोरोना के दौरान भी पुलिस ने सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना को लेकर अच्छा काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने कहा कि जिले का पुलिस प्रशासन मेरा सहयोग करेगा, जिससे मैं एक अच्छा व स्वच्छ प्रशासन देने की कोशिश करूंगा। संवाददाता पीके शर्मा की रिपोर्ट। फर्स्ट टाइम पदभार ग्रहण किया है, क्या क्या प्रायोरिटीज रहेंगे और क्या क्या चैलेंजेस देखते हैं आप? जी, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत आभार, आपने मेरे लिए आज आप यहाँ आए। और प्रायोरिटीज़ का जहाँ तक सवाल है, प्रायोरिटीज़ तो पुलिस मुख्यालय ने और राजस्थान सरकार ने पहले से सुनिश्चित कर रखी हैं। ना ही मेरी कोई व्यक्तिगत प्रायोरिटी हो सकती है और ना ही किसी की हो सकती है। तो जो इस्टेब्लिश की गई प्रायोरिटीज़ हैं, प्राथमिकताएँ हैं, उनके आधार पर हम सबसे अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। हर दिन अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे और आने वाले दिनों में और जो हमारे व्यवहार में सुधार की आवश्यकता है, यदि हमारी कार्यशैली में आवश्यकता है, अन्यथा बाय एंड लार्ज पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत मेहनत से काम करती है, हर जगह अच्छा काम करती है। और ख़ास तौर पे कोविड के दौर में लोगों ने, अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो अपना बहुत सर्वस्व निछावर कर रहे हैं लोग। और मैं उम्मीद करूँगा कि पुलिस की टीम मेरा सहयोग करेगी और मैं एक अच्छा और स्वच्छ प्रशासन देने का प्रयास करूंगा। राजस्थान सरकार की जो एस्टैब्लिश मान्यता है उनको परिपूर्ण करूंगा। टोंक के आप आए तो कुछ काफ़ी कुछ सुन के आते हैं वहाँ से? हाँ, मैं जानता हूँ टोंक के बारे में। टोंक एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत पुराना रियासतकालीन इलाका है और यहाँ पर अरबी फारसी शोध संस्थान है। और टोंक बहुत ही सभ्य लोगों की और उर्दू और फारसी के नफीस लोगों की धरती है। यहाँ पर बहुत से ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि उनसे मैं कुछ सीखूं और यहाँ के लोगों से एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण को लेके सरकार और इस देश का नाम सदैव टोंक